अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है बताओ। जैसे सिम कार्ड के बगैर मोबाइल अधूरा है, मेरा दिल एक मोबाइल है और तुम इसकी सिम कार्ड। वो सब तो ठीक है, पर अगर ये मोबाइल डबल सिम वाला हुआ तो फिर सोच लेना। बेबी आपको पता है ना वेलेंटाइन डे आ रहा है, तो बताओ आप मुझे वेलेंटाइन डे पे क्या गिफ्ट दोगे? हम नहीं मनाते आए? पर दादाजी मर गए थे उस दिन। शाबाश। शादी के फायदे होते हैं या नुकसान? हर चीज के दोनों ही होते हैं, अपने फायदे अपने नुकसान है। वैसे शादी के भी फायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान है यार, आप पे एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इतना बोझ हो जाता है, हर समय आपको टेंशन रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। और फायदे? फायदे अपना जैसे अरे यार ड्राइविंग सीख के क्या करेगी, काम कोई ऐसा करो जो कोई और ना कर पाए, किसी और लेडी को ना आता हो, हटके बिल्कुल। जैसे कि आप ही बता दो। जैसे कि चुप रहना सीखो, किसी को नहीं आता। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात को पार्टी में उस लड़की के साथ चिपक चिपक के डांस कर रहे थे। तुम्हारी एक खूबसूरत बीवी है, दो बच्चे हैं, इस बात का तो लिहाज कर लिया करो। अरे कैसा लिहाज, इस बारे में मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं। फूटी किस्मत मेरी जो मैंने इस ऊंट से शादी कर ली। ऊंट? ओ सॉरी सॉरी बाबू, बुरा लग गया क्या? ऊंट नहीं, ढोर हो तुम। आज बाल धुलवाए, बड़ी खूबसूरत लग रही है। एक नंबर के ना झूठे और मक्कार इंसान हो तुम। क्या हो गया? क्या लड़की है? सोसाइटी वाली लड़की के साथ आज तुम डेट पे गए थे? तुम्हें बता के तो गया था। यार हद हो गई झूठ बोलने की, तुम मुझे बोल के गए थे कि तारीख पे जा रहा। तो तारीख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेट। आप बताओ कौन झूठा? मुझे लगा तुम कोर्ट की तारीख पे गए हो। तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैं हिंदी बाल जी हूँ तो डेट तारीख तारीख डेट एक बात। चुप हो जाओ, मुंह से ना एक शब्द मत बोलना। अरे आ गया, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक था, कह रहे थे कि स्टार्टिंग में 15,000 सैलरी देंगे और एक साल बाद 30,000। फिर आपने क्या कहा? कहना क्या है, मैंने बोला आता हूँ अगले साल। दुनिया के किसी भी कोने में आप फंसे हुए हो, भारत सरकार आपको निकाल सकती है, पर हाँ टीवी के चंगुल से नहीं निकाल सकती।